नमस्कार मित्रों, साथियों, बेलपत्र का वृक्ष शुभ क्यों माना जाता है? मित्रों, एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का पेड़ निकल आया। माता पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ का अवदव हुआ। इसमें माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। वे पेड़ की जड़ में गिरिजा के रूप में, इसके तनों में महेश्वरी के रूप में और शाखाओं में दक्षिणायनी व पत्तियों में पार्वती माँ के रूप में रहती हैं। फलों में कात्यायनी स्वरूप व फूलों में गौरी स्वरूप निवास करती हैं। इस सभी रूपों के अलावा माता पार्वती का रूप समस्त वृक्षों में निवास करता है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता है, अगर वह श्रावण मास में बिल्व के पेड़ के मूल भाग की पूजा करके उसमें जल अर्पित करें तो उसे सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य मिलता है। बेलपत्र का महत्व क्या है? बिल्व वृक्ष के आसपास सांप नहीं आते। अगर किसी की शव यात्रा बिल्व वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसका मोक्ष हो जाता है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा बिल्व वृक्ष में होती है। 4, 5, 6 या 7 पत्तों वाले बिल्व पत्रक पाने वाला परम भाग्यशाली और भगवान शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल मिलता है। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है और बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितर तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफेद आग को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेलपत्र और ताम्र धातु के एक विशेष प्रयोग से ऋषि मुनि स्वर्ण धातु का उत्पादन करते हैं। जीवन में सिर्फ एक बार, वो भी यदि भूल से भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया हो तो भी उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। बेल वृक्ष का रोपण, पोषण और संवर्धन करने से महादेव से साक्षात कार करने का अवश्य लाभ मिलता है। तो मित्रों, वृक्ष तो हमारे लिए वैसे भी लाभदायक हैं। तो मित्रों, वृक्ष लगाइए और बेलपत्र का वृक्ष लगाइए तो और भी अच्छा है। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए या फिर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।